Study IQ is. Abtayari hui affordable. Hello, aspirants friends. The today's topic is the impact of movies on youth. The movies are, have been always an important mechanism of influencing society. The debate have always existed that whether movies impact the society or is it the society which is reflected in the movies. इम्पैक्ट बहुत सारी है युद्ध के ऊपर सिंस वी आर मार्चिंग यंग नेशन, वी नीड टू डिवेल ऑन द एस्पेक्ट दैट दू वट एक्सटेंट प्रेजेंटेशंस इज़ रिप्रेजेंटिंग द रियलिटी चेंजिंग द रियलिटी एंड टू व्हाट एक्सटेंट दिस चेंज इज फंक्शनल एंड गुड फॉर द कम्युनिटी ह्यूमैनिटी एंड सोसाइटी एट लार्ज सिंस बहुत सारी चीजों पे इंपैक्ट होती है कल्चर से लेके रिलीजन से लेके परसेप्शन से लेके आइडियोलॉजी से लेके आई एम गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ ऑन इंपैक्ट स्पेसिफिकली ऑन यूथ एंड थ्री ब्रॉड इंपैक्ट वुड बी डिस्कस बाई मी इन दिस सेशन ऑफ नेक्स्ट फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स इंपैक्ट अगर हम देखें तो हमें शायद सीधे सीधे समझ में आ रहा है हमेशा से एक चीज बोली जाती है पिक्चर्स स्पीक मोर देन वर्ड्स पिक्चर्स हियर वॉट आई एम मीनिंग इज मूवी जब हम कोई भी किताब पढ़ते हैं तो हमें उसे ऑफन रिवाइज करना पड़ता है उस चीज को याद रखने के लिए उस चीज को यूज करने के लिए वी नीड रिविजन इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द नॉलेज टू विजडम बट जब भी हम कोई पिक्चर देखते हैं शायद हमें उसे वापिस दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि उसका इंपैक्ट इतना रेसोनेट करता है अपनी लाइफ से अपने माइंड में डेट कहीं ना कहीं अगर कोई जिक्र करता है उस मूवी का तो शायद हमें पूरी स्टोरी रिकॉल हो सकती है और हर एक सीन बाय सीन हम शायद चीजों को समझ सकते हैं और रिकॉल कर सकते हैं ऐसा क्यों कि किताब के वक्त हमें रिवीजन की जरूरत है और शायद मूवीज के वक्त हमें कोई रिविजन की जरूरत नहीं होती है शायद इसीलिए ये कहा गया पिक्चर्स हैव मोर इम्पैक्ट देन दर्ड्स अब क्वेश्चन ये उठता है क्या मूवीज इंपैक्ट करती है सोसाइटी को या फिर सोसाइटी मूवीज रिफ्लेक्ट करती है सोसाइटी को दिस इज वॉट आई हियर इज़ रील इंफ्लुएंसिंग द रियलिटी और इज इट द रियलिटी विच इंफ्लुएंसिंग द रील क्या रील real से रियलिटी चेंज होती है या फिर रियलिटी ही रील में दिखाई देती है यह बहुत बड़ी डिबेट है अगर जनरल टॉपिक से इसको देखें तो दोनों रिलेशनशिप ट्रू है कोई कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है कभी रील real रियलिटी दिखाती है तो कभी रील real से रियलिटी बदलती भी है हमने देखे हैं बदलते जो ये मैंने कुछ इधर सेलेक्टिव मूवीज लगाई है उससे हमने देखे हैं कि कैसे परसेप्शन चेंज हुए रिसेंट टाइम के अंदर कश्मीर फाइल जैसी मूवीज ने शायद हमारी ओपिनियन सोच या बहुत सारी चीजों में बदलाव Uh, uh, शायद दैट इट वॉट अ चेंज इन आवर लाइफ थ्री इडियट्स मुन्ना भाई एम बी बी एस गांधीजम के ऊपर एक ऐसी मूवी जहाँ पे गांधीजम को कॉन्टेम्प्रेरी डिमैंड या फिर यूथ से कनेक्ट किया गया बाबा राम रहीम अगर आप देखोगे बहुत सारी मूवीज डायरेक्ट प्रोड्यूस और एक्ट एज एन एक्टर बतौर एक्टर उन्होंने एक्ट uh, किया है मूवीज के अंदर क्यों बिकॉज उन्हें शायद पता है कि यूथ को इन्फ्लुएंस करने के लिए मूवीज सबसे बेहतरीन तरीका है तो मूवीज और सोसाइटी की रिलेशनशिप हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग रही है और आज इसमें देखते हैं कि इनकी क्या कुछ ऐसी इंपैक्ट है जो शायद हमें नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए या फिर क्या कुछ ऐसी इंपैक्ट है जिसके ऊपर हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए ओवरऑल अगर इफ यू सी द इंपैक्ट ऑफ मूवीज द मूवीज द इंपैक्ट ऑफ द मूवीज वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एक ही आदमी एक पिक्चर देखता है उसके ऊपर कोई और तरीके से इंपैक्ट हो सकती है वहीं पे अगर कोई दूसरा व्यक्ति वही सेम पिक्चर देखता है तो हो सकता है उसके ऊपर कुछ और टाइप का डेवलपमेंट हो सकता है सो एट द पॉइंट इज दिस दैट द इंपैक्ट ऑफ मूवीज इज डेफिनेटली प्रेजेंट इन सोसाइटी एंड कैन नॉट बी नेगेटेड बट हाउ एवर द इम्पैक्ट एट द सेम टाइम कैन नॉट बी यूनिवर्सलाइज एज द इंपैक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर मूवी यूथ और ऑन एनी अदर सब्सटेंस और स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सोसाइटी वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कोई लोग कबीर सिंह देख के शायद स्मोक करना एक एग्रेसिव एटीट्यूड से इंपैक्ट होते हैं और शायद कई यूथ ऐसे होंगे जहां पर वो डेडिकेटेड लव स्टोरी जो शायद हम लोगों ने नजरअंदाज कर दी शायद उससे इंपैक्ट हो शायद उससे एक्सेप्टेबल हो तो अलग अलग लोग अलग अलग, अलग एस्पेक्ट से इंफ्लुएंस होते हैं एक ही आदमी को अगर सेम दस आदमी को अगर सेम मूवीज दिखाई जाए तो जरूरी नहीं कि उसकी इंपैक्ट सेम हो तो कभी भी ये क्वेश्चन अगर सपोज यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको यहां बताऊं अगर आए 2011 में इसी पे ऐसे आया हुआ है मीडिया इंपैक्ट इंपैक्ट ऑफ मीडिया ऑन सोसाइटी तो ओवरऑल जनरल नॉलेज के लिए वन थिंग नीड टू बी रिमेंबर्ड इज वेरी क्लियर दैट इंपैक्ट ऑफ मूवी इज नॉट यूनिवर्सल इट वैरीज फ्रॉम पीपल टू पीपल इट वैरीज फ्रॉम स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर सोसाइटी टू सोसाइटी अब यह इम्पैक्ट वैरी कर रही है, समझ में आया लेकिन इस इंपैक्ट वेरिएशन के अंदर कुछ एक सप्टल कॉमन लॉ टाइप के से फॉर्मेशन हो चुके आ, हो चुके हैं वो लॉस क्या है कि ऐसा माना जाता है अगर यूथ अवेयर है कॉन्शियस है तो आप उसे कैसी भी मूवी दिखा दो उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर बहुत ही नेगेटिव मूवी में दिखाऊंगा तो भी उसे शायद फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ही इज लॉजिकल रैशनल ही इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट लेकिन वहीं पर अगर यूथ के अंदर अवेयरनेस नहीं है कॉन्शियसनेस नहीं है एक लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है तो देयर आर चांसेज दैट जो उसे दिखाया जाएगा वो एज इट इज इंप्लीमेंट कर लेगा जैसे बी आर अम्बेडकर साहब ने एक बार इंडियन विलेजेस के ऊपर टिप्पणी दी थी इंडियन विलेजेस आर सक्सेसफुल फैक्शनलिज्म मार्क्स ने भी इंडियन के ऊपर एक टिप्पणी दी थी दैट इंडियन एक्सेप्ट एनीथिंग विच इज इम्पोज ऑन इट भी उसके ऊपर इम्पोज करोगे वो एक्सेप्ट कर लेगा वैसा ही ये यूथ होता है अगर अन अवेयर यूथ है जो कॉन्शियस नहीं है जो दिख रहा है उसी को ब्लाइंडली फॉलो करता है तो शायद म्यू मूवी जैसे एस्पेक्ट बहुत एक डीप इम्पैक्ट रखते रख सकते हैं उस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी पे या फिर उनके बिहेवियर्स के ऊपर तो देखते हैं कि क्या ऐसी तीन बिगेस्ट इंपैक्ट है इंडियन मूवीज की या फिर एनी मूवीज की इंडियन यूथ के ऊपर सबसे पहले मैंने एक बहुत ही प्रसिद्ध सुपरहिट मूवी या फिर मूवी हैज बीन हाईली डिबेटेड इन बोथ अमोंग द इंटेलेक्चुअल्स एंड अमोंग द मीडिया क्रिटिक्स एज वेल इज कबीर सिंह शायद इस चेहरे से आप काफी फेमिलियर हो स्पेसिफिकली इस लुक से काफी फेमिलियर हो कि कबीर सिंह जैसी मूवी जब आई तो सोसाइटी में एक डिबेट आई कि ये हाइपर मैस्कुलिनिटी जो बता रही है क्या वो सही है क्या वो एग्रेसिव ने जो कबीर सिंह के अंदर होता है एक इमेज चेंज की इसने डॉक्टर्स की डॉक्टर्स को हम भगवान मानते हैं डॉक्टर्स को एक सॉबर पर्सनालिटी मानते हैं डॉक्टर्स को हम एक अलग नजरिए से देखते हैं कबीर सिंह ने उसी एमबीबीएस या फिर मेडिकल स्टूडेंट का एक अलग प्रेजेंटेशन दिया कबीर सिंह ने एक यू uh, नो you know, एक हाइपर मेस्क्यूलिटी इस तरीके से प्रमोट की कि हैविंग ए यू नो फ्री सेक्सुअल रिलेशनशिप विद द पीपल इज वेरी मच एक्सेप्टेबल एक तरफ इन दिस मूवी द यूथ दैट इज द कबीर सिंह इज डीपली इन लव विथ अ पर्टिकुलर पर्सन बट ऑन द अदर हैंड ही एस्टेब्लिशेज अ रिलेशनशिप विद मल्टीपल फीमेल्स तो क्या वो लव था या वो लस्ट था दूसरी तरफ इसी मूवी के अंदर हमने देखा है उनकी डेडिकेटेड लव स्टोरी दे दे ट्राई टू टू देयर लाइफ आर नॉट एबल कम बहुत सारे पहलू चाहे वो स्मोकिंग से लेके अल्कोहल से लेके मेडिकल परसेप्शन डॉक्टर के, के परसेप्शन से लेके एग्रेसिव मेंटालिटी से लेके रेबेलियस एटीट्यूड से लेके बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट थे जो एक एक बहुत सॉलिड कॉम्बिनेशन के अंदर कंबाइन करके इसके अंदर फिट किए गए अब कबीर सिंह जैसी मूवीज की इंपैक्ट होती क्या है सोसाइटी में यहां पे सिर्फ कबीर सिंह नहीं यहां पे हो सकता है लाइगर जैसी ऐसी -ऐसी प्रमोट किया जा रहा है ऐसी मूवीज की क्या इंपैक्ट होती है द फर्स्ट बिगेस्ट इंपैक्ट ऑफ सच मूवीज ऑन इंडियन यूथ इज दिस इंडियन यूथ लार्जली अब अंडरस्टैंड एक बिग फ्रेम पे 75 mm की स्क्रीन के ऊपर आपको एक नई लाइफ जीने का मौका देती है और इंडियन यूथ अगर हम आज के सर्कमस्टेंसेस में ले इज इन रैट रेस दे आर लार्जली टाइड अप टू देयर कमिटमेंट्स टू एजुकेशन टू जॉब्स टू फैमिलीज और टू मे बी देर रेस्पेक्टिव लव्ड वंस और एनी अदर कमिटमेंट्स अब होता यह है कि शायद वो टाइम नहीं मिल पाता है वो एग्रेसिव लार्जर देन लाइफ मूवी लाइफ जीने का मौका अब इस सर्कमस्टेंसेस पे अगर ऐसी मूवीज आती है तो होता क्या है दैट यूथ स्टार्ट प्रोमोटिंग दैट मूवी नॉट ओनली वर्बली बट दे ऑल्सो स्टार्ट अप्लाइंग दोज एस्पेक्ट ऑफ मूवी टू देर रेस्पेक्टिव लाइफ क्यों क्योंकि शायद वो जो चीजें वो कर नहीं पा रहे हैं ये मूवी डेसिफर ये दिखा रही है और कैसे उस चीजों को सेलिब्रेट कर रही है अब जब वो सेलिब्रेशन होता है तो यूथ बहुत टिल्ट हो हो जाता है, sway हो जाता है है इन सारी चीजों को करने के लिए क्यों बिकॉज दिस एक्ट एज ह्यूरिस्टिक टूल एक स्टैंडर्ड बन जाता है कि जो चीज मैं जी नहीं पा रहा था शायद वो तीन घंटे में देख के मैंने जो उसे जिया या एक्सपीरियंस किया दैट एक्सपीरियंस वॉज फिनल और उस एक्सपीरियंस के कारण मैं उसे डे टू डे लाइफ के अंदर इंक्लूड करने लगता हूं जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूं जो स्मोकर होते हैं उन्हें अगर आप बोलो <coughs> बोलते हो कि कैसे आ, शायद स्मोक करने से कैंसर होता है या शायद स्मोक करने से आपके लंग्स वीक होते हैं तो वो क्या एग्जाम्पल देते हैं आपको अरे यार देखो ये साल के पूरा साल के व्यक्ति हैं कब से स्मोक कर रहे हैं कब से बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं उनको तो कुछ नहीं हुआ हम वो जस्टिफाइड चीजें देने लगते हैं जो हमारे जोन के अंदर है जो हमारी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेबल है एंड इन सच सर दीज मूवीज लार्जली हैज

हेल्प्स इन ब्रिंगिंग चेंज तो फॉर एग्जाम्पल मेस्कुलाइन वैल्यूज को प्रमोट करने के साथ साथ वो यहां पे कई बार एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर और नोशन जो है उसको चैलेंज करने लगता है कोई जरूरी थोड़ी है कि यार डॉक्टर जो है हमेशा सॉबर हो इज डॉक्टर नॉट ए ह्यूमन बींग हु कैन लार्जली लिव द रिस्पेक्टिव लाइफ हु कैन हैव ए पर्टिकुलर एटीट्यूड क्या एटीट्यूड होना गलत है और क्या वो सही वक्त पे सही एटीट्यूड अगर आपकी है और उसको आप टोन डाउन करते हो तो डोंट यू थिंक थिंक यू बिकम यू नो विक्टिम ऑफ कल्ट ऑफ कल्ट्रेटिट्यूड दो चीजें चल रही है सोसाइटी में आज सेकेंड इफ यू आस्क स्टेट सिविल सर्वेंट्स टू बेंड ही लाइज डाउन वहां पे कल्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड है बॉस yes और उन सारे सर्कमस्टांस के अंदर ऐसी मूवीज वो कल्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड और ये बॉस मेंटेलिटीज को क्वेश्चन करती है और एक नया एटीट्यूड देती है एंड दिस इज इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू इंश्योर दैट यूथ स्पाइन शायद एक तरीके से देखा जाए तो वो एक एटीट्यूड को राइट तरीके से इंपोज किया जाए तो ऐसी बट एट द सेम टाइम सिंस द नेगेटिव ऑफ सच मूवीज आर मच मोर हाईर ऑन सोसाइटी देर आर चांसेस दैट दूथ विच आर ऑलरेडी फेसिंग सो मेनी चैलेंजेस इन द सर्कमस्टांस बोथ फिज मेंटल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इन सच सर्कमस्टांसम टू लार्जली प्रमोट करने लगती है जो शायद हमने देखा है कबीर सिंह से कई बार मैंने यू नो एस यूथ को बोलते हुए सुना है कि मैं तो कबीर सिंह बन गया लेकिन तुम प्रीति नहीं बन पाई वाओ I mean just imagine the

जो कैरेक्टर या फिर वो जो एक कैरेक्टरिस्टिकम सक्सेसफुल डेडिकेशन फोकस स्ट्रॉन्ग में वो भी सिखाती है उसमें से एक जो मुझे बेहतरीन एग्जाम्पल लगा वो है दंगल दंगल एक ऐसी मूवी थी जहां पर हमने देखे अगर बाल से डिस्ट्रैक्शन होता है तो उसके पिता ने उसके बाल भी कटा दिए अब कुछ फेमनिस्ट हो सकते हैं जो इसे नेगेटिवली देखे कि कैसे एक पैट्रियार्कल माइंडसेट है लेकिन हर चीज को हम फेमिनिज्म और पैट्रियार्की से देख के शादी ये सही नहीं है वो बाल डिस्ट्रैक्शंस कर रहे थे तो हमने बाल भी कटा दिए और कैसे यहां पे कुछ यंग गर्ल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लार्जली बिकम्स द स्टार प्लेयर्स ऑफ इंडिया एज़ far as द रेसलिंग इज कंसर्न्ड सो मूवीज सच एज दंगल लार्जली हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग यूथ फ्रॉम

वो जज्बा शायद इन्हीं मूवी से हमारे पास आ रहा है और इसको देख के शायद बहुत सारी गर्ल्स रेसलिंग की तरफ स्पोर्ट्स की तरफ या फिर अपने डेडिकेटेड गोल या ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं तो वी डू सी के दो रिलेशनशिप इशू जो आज यूथ फेस करता है आज यूथ की प्रॉब्लम जाके अगर आप सर्वे भी करोगे गर्लफ्रेंड की प्रॉब्लम्स बॉयफ्रेंड की प्रॉब्लम्स फ्रेंड्स की प्रॉब्लम्स स्ट्रेस है किस चीज का स्ट्रेस है कि शायद मेरे को इंस्टाग्राम में लाइक नहीं किया गया है आज हम देखते हैं डिजिटल नार्सिसिज्म हो रही है चीजों के अंदर आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट जैसे लोग डिजिटल डी एडिक्शन सेंटर स्टार्ट कर रहे हैं ताकि डी एडिक्ट किया जाए डिजिटल एडिक्शन से दूर रखा जा सके यूथ को और उसे डी एडिक्ट किया जा सके इन सारे डिस्टरबेंसेस के अंदर जब ऐसी मूवीज़ आती है, तो शायद इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू री थिंक पर्सपेक्टिव्स, परीथिंक द पर्पस ऑफ आवर लाइफ इन दिस सोसाइटीज एंड वर्क टूवर्ड्स दोज गोल्स कैसे सोसाइटियल माइंडसेट से बाहर निकल के चैलेंज को एक्सेप्ट करके लोग आगे बढ़ने की प्रेरणा ले सकते हैं इंस्पिरेशन ले सकते हैं इन मूवीज से सो वी डू सी कि देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ मूवीज जिसके बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट होते हैं सोसाइटी के अंदर जहां पे एक नॉनसेंस आई मीन अ लेस इंपॉर्टेंट टास्क जो आपके सामने है योर लव अफेयर्स योर एस्पेक्ट्स योर फेसबुक लाइक्स डिसलाइक्स लाइक्स इंस्टाग्राम और यूट्यूब फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स इनसे दूर आके शायद वो लार्जर गोल्स अपनी लाइफ की तरफ फोकस में लाने के लिए ऐसी मूवीज बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है और इसी के साथ अगर कुछ और मूवीज देखें जैसे एक मूवी जो मेरे जहन में आई इस टाइम वंस अपॉन टाइम इन मुंबई ऐसी जगह पे हम कई बार देखते हैं कि जो ये यू नो लार्जर देन लाइफ फिगर्स होते हैं बहुबली टाइप के फिगर्स डॉन टाइप के से फिगर्स इन लोगों को हम हाईली यू नो एक uh, एक स्टार पॉइंट ऑफ व्यू से एक हीरो या गॉडमैन पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाते हैं और इससे होता क्या है ना कि यूथ लार्जली स्टार्ट्स डाइवर्टिंग टूवर्ड्स द रॉन्ग एस्पेक्ट्स बट एट द सेम टाइम जो उनका रेफरेंस ग्रुप है जो उनका प्रेरणा देने वाला जो व्यक्ति या ग्रुप है वो एक रॉन्ग ग्रुप बन जाता है वी स्टार्ट टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम सच फिगर

Of the education, the career, the character, the values, and the ethics which it has. So, hence, movies have a very deep impact on societies. I've just highlighted three important aspects of movies. Beside this, there are movies like Mother India, there are movies like Bhagat Singh there are movies like you know uh, uh, freedom fighters there are movies like uri there are movies like other stuffs uh, gunjan saksena Jesse movies which motivates people which largely shows the reality of societies and helps in bringing change hence ek cheez hame bahut clearly samajhni chahiye the impact of movie is resonating in every day in everybody's life in every society but however this impact is not something very universal or universal example है कि ये सारी मूवीज की जो हमने इंपैक्ट डिस्कस की कोई जरूरी नहीं है कि हर किसी पे वही इंपैक्ट हो आपकी वन ऑफ इंडिया पुष्पा ये इसका एक पर्टिकुलर जेस्चर और इसका एक पर्टिकुलर लाइंस बहुत सारे डायलॉग्स बहुत सारे सॉन्ग्स सुपर हिट हुए सुपर हिट का मतलब वेल well एक्सेप्टेबल हुए सोसाइटीज के अंदर कहीं ना कहीं हमने इसको बजते हुए सुना इनके डायलॉग्स की यू uh, नो you know, हमने तारीफ भी की है लेकिन जब आपने ये मूवी देखी तो आप में से कितने लोग चंदन की तस्करी करने लगे हाउ मेनी ऑफ यू स्टार्टेड स्मगलिंग ऑफ रेड सैंडर्स आई एम मच श्योर कि शायद नन ऑफ यू स्टार्टेड और एटलीस्ट थॉट ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस ऑफ स्मगलिंग ऑफ रेड सैंडर्स बाय सिंग पुष्पा और जब आपने यू डिन नॉट स्टार्ट ऑल दो दिस मूवी हैड अम्पैक्ट पीपल वर टॉकिंग अबाउट इट एवरी डे इन एवरी डे इज एंड द मूवी रिलीज बट नन ऑफ अस बिकेम द स्मगलर्स वाई ये क्लियरली बताता है कि अगर यूथ रैशनल है और वो उस चीज से वही वो, वो मूवीज से वही चीज निकालता है जो उसे समझनी है जो उसे अप्लाई करनी है तो शायद मूवीज की इंपैक्ट उतनी नहीं होगी जितनी शायद हम आज समझ रहे हैं इन मूवीज से सो द इंपैक्ट ऑफ मूवीज इज प्रेजेंट बट हाउ एवर इट इज नॉट यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मलीस्टैब्लिस्ड इन एवरी सोसाइटी पुष्पा इज अ क्लियर रिफ्लेक्शन दैट नन ऑफ अस बिकेम स्मगलर्स ऑफ रेड सैंडर्स इन द प्रेजेंट टाइम्स आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी आप में से कितने लोग वुमेन वायलेंस प्रैक्टिस करते हो एक बार वायलेंट मूवी देखने से आप में से कितने लोग ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देते हो उड़दा पंजाब जैसी मूवीज देखने के लिए हाँ साइकोलॉजिकल थियरीज बोलती है वंस यू वॉच द मूवीज इट इन योर कॉन्शियसनेस फॉर नेक्स्ट आवर्स आफ्टर दैट वो शायद फेड करने लगता है तो मूवीज की इम्पैक्ट है उसे नकारा नहीं जा सकता लेकिन क्या टाइप की इम्पैक्ट है उसे जनरलाइज भी नहीं किया जा सकता कौन मूवी देखता है उसके ऊपर डिपेंड करता है so in order to summarize this aspect my point of view as far as the impact of movies on indian youth is concerned is this that movies largely influences day-to-day -day life it brings change it helps in maintaining the status quo as well but however as hegel advocated consciousness determines being but which was countered by karl marx that how the consciousness is short lived the impact of movies long term impact of movies remains questionable as the youth if they are rational and logical and have developed a critical orientations and in such circumstances the movies would only have better impact on youth better impact on the societies यहाँ पे मैंने बताया कि कैसे बहुत सारी मूवीज अलग तरीके से रिप्रेजेंट करती है चीज़ों को और किस तरीके से वो इंपैक्ट कर सकती है बट क्योंकि मूवीज इंपैक्ट करती है शायद जो मूवीज बनाते हैं थोड़ा बहुत सोशल कॉन्शियसनेस होना चाहिए और अगर एक लाइन में बोलूँ द मूवी मेकर शुड लार्जली कीप इन बैलेंस विद द राइट ऑफ देयर फ्रीडम ऑफ देयर एक्सप्रेशन कपल्ड विद द फ्रीडम यू नो कपल्ड विद द ड्यूटी टू इंश्योर दैट इट हैज केप्ट सोसाइटीज वैल्यूज इंटैक्ट एंड प्रिजर्व देर फॉर देर टू बी अ बैलेंस जहां पर कोई भी मूवी मेकर यह नहीं बोले कि मेरे राइट टू फ्रीडम है मैंने को जो प्रेजेंट करना है वो मैंने प्रेजेंट किया लेकिन इसको अगर हम सिर्फ इसी तरीके से ले तो लीगली शायद आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे उन मूवीज को लेकिन क्या डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स का एक दायित्व एक ड्यूटी ये भी नहीं है इन ऑर्डर टू लार्जली इंश्योर के जो यूथ है जो सोसाइटी है जो लोग हैं, वो मिसगाइडेड नहीं हो सोसाइटी से सो द मूवीज इन इंडिया हैव हैड अ ह्यूज इंपैक्ट द मूवीज हैज बीन द फेवरेट नॉट ओनली द पास्ट Favorite pastime entertainment of Indian youth and Indian people at large, but at the same time, the Indian people are so deeply connected with the movies that they consider their respective actors as godmans. In such circumstances, the impact of movies needs to be taken seriously. Not only the movie maker should show a responsible behavior in order to, uh, in order to understand the impact of their respective storylines, but at the same time, the society should also become aware that such movies can. करने का एस्पेक्ट था वो हेल्प करेगा आपको टू अंडरस्टैंड आप अपने हिसाब से भी कुछ मूवीज के एग्जाम्पल्स और सोसाइटी के एस्पेक्ट से कनेक्ट करके लिख सकते हो एट द लास्ट वी आर स्टार्टिंग आवर जीएस बैच from 14th of this month the batch would cover not only every aspect of your syllabus but at the same time there would be the sessions which will open up your mind and that is more important as far as the civil services is concerned if you are interested you can use the code div live in order to get a uh, respective discount as far as the course is concerned at the same time i am also starting my second batch of sociology from 21st of this month if anybody is interested in understanding such aspects from more sociological dimensions you are most welcome into the course happy studying have a nice day best of luck and remember that the movies which you are watching are having impact on your mindsets ensure that you only take the positive aspects of the movies and try to limit the negative influences on you because a movie may largely be seen only for 3 hours but it impacts resonates on your entire character on your entire values there are people who are waiting back home uh, and the people who have expectations from you at the same time being a responsible citizen when the country of ours is largely targeting for demographic dividend in such circumstances you have a social moral and ethical responsibility towards working for the welfare of the entire nation and ensuring sabka saath sabka vikas in the development which the country is pursuing thank you so much study iq is affordable